अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इलियास शेख आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ILU एंटरटेनमेंट पर। और जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबा ले ताकि हमारे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। और जिस भाई को भी शूट करवाना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, उससे कॉल और मैसेज कर सकता है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम है देवनार बकरा मंडी में और हमारे साथ है भाई, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है बलराम, हैदराबाद से। बलराम हैदराबाद से। हैदराबाद में किधर से? जियागुड़ा स्टेट और ठीक है, वहाँ हमारा कमीशन एजेंट है। कारोबार जो है सो मंडी का जो है सो बकरों का कारोबार करते, वहाँ जो है आप बकरे का कारोबार करते। तो यहाँ कितने बकरे लेके आए? यहाँ पे लाए थे 6 बकरे, जिसमें यासीन शरीफ का जो टोकरा रहता सेम वैसे 2 बकरे। एक बकरे पे जो है सो सीन जो है सो यहाँ पे नून आया, वो बकरे पे यहाँ पे सीन ये सीन और पीछे लाम और नुक्ता, जैसा कि सीन पे ऐसा लाम और यहाँ नुक्ता जैसा आता वैसी। तो वो तो मैं चीज लोगों को बता दूंगा, और तो ये पहले तो जानना चाहूंगा मतलब आपको कैसा मालूम पड़ा ये? जैसा कि इससे पहले मैं एक कारोबार करता था, तो पत्थर का कारोबार करता हूँ, तो उस पर जिक्रु अल्लाह बोल के एक स्टोन पे आया था, सरफंट है पत्थर बोल के था। तो उस काफी दिन हुआ था, 10 साल से पहले लिया था मैं, तो एक मैं से पार्टी ली, तो वो सेम वो डिज़ाइन दिखने के वास्ते एक यासीन शरीफ का टोकरा है, जिसमें मेरे पास फोटो भी रखे हुए है, एक नवाब घराने से लिया सो हूँ मैं। अच्छा, तो कितना मतलब कब आपको पता चला, कितने टाइम बाद ये पता चला बताइए? बिल्कुल, जैसा कि बकरे ये आपके पास ही पैदा हुए इधर ही? नहीं, पैदा नहीं हुए, हम भी किसी से लिए थे। एक बकरा ये नून वाला, एक बकरा लाए सीन वाला, एक बकरा जिस ऐसे। तो ये अलग अलग जगह से लाए हो? अलग अलग ही, लेकिन एक ही ब्रीड के बकरे है ये। एक ही ब्रीड के बकरे और 2 अलग अलग जगह से लेके आए थे। हाँ। और माशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रॉपर डिटेल। तो आपने दोनों कलेक्ट कैसे, आपको मतलब नीम नूम है इस पर सीन के, आपको तो आती नहीं और उर्दू आती नहीं रहेगी? बिल्कुल नहीं आती, लेकिन हमारे जो पहचान के है लोग, हमारे नाना के जो खानदानी मुजावर जो अजमेर शरीफ के मुजावर है, हादी नजीर जिसको बोलते, उन लोगों से भी मैं मालूम करा, बड़े बड़े आलिम लोगों से भी मालूम करा और मौलाना लोगों से भी मालूम करा। यूट्यूब पे भी हम सर्च करे लोगों की बातों का क्या है, फिर भी अपने दिल की तसल्ली के वास्ते हम हमारी कोशिश तो कर रहे हैं। और अगले साल भी ऑफर आया था, लेकिन थोड़ा सा आने। कितना ऑफर आया था? आने अब वो आया था, कोई भी अगर अच्छे अल्लाह के नेक बंदे जिसको अल्लाह पे भरोसा है, नून चीन और अली जिस पे रहता है, अगर वो बंदा अगर लेना चाहता तो जो हदिया समझते, जैसा कि बादशाह बकरा 2007 में मुंबई में जो बिका था बादशाह बकरा, कितने महंगे करा? कान के ऊपर मक्का लिखे हुआ था, गर्दन की तरफ यहाँ पे मोहम्मद, यहाँ पे अल्लाह लिखा हुआ था, 5,51,786 जिसपे NDTV पे मैं देखा था। तो इसके बाद में मेरे को दिलचस्पी हुई कि यहाँ पे मुंबई में कुछ ऐसी चीज लेके जाऊं बोल के। यासीन शरीफ का टोकरा, मतलब जो यासीन शरीफ का जो टोकरा रहता मक्का और मदीना, जो सूर्य यासीन बोलते, सूर्य यासीन नाम है उसका। हाँ। ठीक है, तो माशाल्लाह ये भी जो है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इनको नवाजा है। ठीक है, तो मैं और जैसा कि ये सर पे ताज भी है, ये अली का निशान बोलते, ये नून है और इस तरफ मोहम्मद है। कहाँ मोहम्मद है जो भी? तो ये मोहम्मद बता रहे हो, कैसे मोहम्मद आएगा बताइए? जैसा कि ये मीम भरे हुआ ऐसा, ये है ये दाल बोलता रहे। ठीक है, तो मेरा काम है आप लोगों को दिखाना, आप लोगों को समझ में आ रहा है और लेना है तो भाई डिस्प्ले में नंबर आ रहा है, इनसे कांटेक्ट कीजिए। ये मीम देखिए इधर से आया है। ठीक है, और किसी को भी अगर शक रहा तो वेनेटरी डॉक्टर से चेकअप करा के ले सकते। ठीक है, चले। तो आप बोल रहे हो कि बाल ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, वो जानने के लिए? और कलर करे हुए या कुछ काम करे हुए? बहुत अच्छा, तो ये भाई प्रॉपर जेन्युइनिटी के साथ बता रहे। मैं आपको बता दूं, इधर बताइए क्या दिख रहा है आपको? इस सीन ये बिल्कुल ऐसा कर, ये सीन है, ये देखिए ये लाम यहाँ पे जो नुक्ता होता है, यहाँ बिल्कुल ऐसी पलट के इस तरफ ये लाम, ये दोनों नुक्ते, तो दोनों साइड मिला के जो है सीन बन रहा है। सीन बन रहा। ठीक है,
तो ये है देखिए, ये साइड बैक साइड करो, ठीक है। तो ये भाई लोग ने माशाल्लाह इतनी दूर से आपने सिर्फ मुंबई के लिए लेके आए हो ताकि लोगों को जो है मालूम पड़े कि आपके पास क्या चीज है, ठीक है। तो जो भाई भी इंटरेस्टेड है भाई ये चीज लेने में, भी बकरे रहते हैं अपने पास, माशाल्लाह ब्रीडिंग के भी बकरे रहते हैं और ये राजस्थानी भी गोट्स आते, किड्स भी आते हैं अपने पास, और जो है सो विलायती आते और रामपुरी भी बकरे आते। तो मतलब टोटल आप काम करते हो हैदराबाद में, ठीक है, और ये सारी चीजें अवेलेबल साल भर मिलेगी? बिल्कुल, ठीक है। अच्छा तो क्या दांत पे है ये? चार दांत पे। चार दांत पे वजन क्या रहेगा? ये रहेगा ये इसका जिंदा वजन, अभी इसका वेट लाइफ वेट जो है सो करीब 68 से 70 किलो रहेगा। चीज देखिए 68 से 70 किलो वजन बता रहे हैं, तो जो भी रहेगा भाई चीज है ये देखिए, ये सीन बना है, पीछे नुक्ता है, और ये इसका बताइए, ये नून है इधर, ये नून है। तो ये दोनों मिला के जो है यासीन हो रहा है। यासीन, ठीक है। यासीन शरीफ, यासीन शरीफ का जो टोकरा बोलते हैं, अभी तक तो काफी जगह पे मैं तो अभी तक नहीं सुना और कहीं देखा भी नहीं, तो देखे नहीं माशाल्लाह, लेकिन आपको जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दे दिया। ये देखिए जो चीज ये लेके आए है, आपने किससे की मतलब किस किस से तहकीक की गई है? सही है, तहकीका तो काफी मौलाना लोगों से की गई और काफी अच्छे मुजावर लोगों से भी, और जो है सो मदीना शरीफ के खानदानी मुजावर लोग भी है और हैदराबाद के भी माने हुए जो है सो मौलाना लोगों से भी मालूम की। इसका कुछ नाम रखा है आपने? नहीं नहीं बिल्कुल रखे, हमने नूरी अल्लाह नाम रखे थे। नूरी अल्लाह, नूरी अल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह की दुआएं नूरी अल्लाह, बाबा की दुआएं नूरी अल्लाह, बहुत अच्छा। और कुछ नहीं, थोड़ी जितनी आ सकी मेरे को तो बोला, अगर कोई भी अगर मेरी बात का कोई नहीं सोचते होंगे तो माफी चाहता हूँ। अपना नंबर दीजिए ना। 6300 बोलिए। 6300668139। बहुत अच्छा। और आप जो है देवनार बकरा मंडी में गाड़ नंबर में कौन से? ये ST242 में, ठीक है। चले तो ये चीज देखिए पहले, तो ये है यासीन पूरा, ये देखिए ये नून इधर आ रहा है, ये दोनों को मिला के यासीन बन रहा है, दोनों का कलर सेम है और एक ही नस्ल के बच्चे, ये देखो सिंह सिंगार का बेहतरीन बच्चा। तो बोलिए ना, इसमें कोई भी काम कुछ भी नहीं करे, सिंह वगैरह कलर वगैरह कोई चीज का ही नहीं करे, जो भी है नेचुरल कुदरती जो है वैसी बताए। तो जो भाई भी इंटरेस्टेड है भाई, तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए भाई के साथ। लेकिन जो भी अगर किसी को भी अगर मुनासिब समझते हो, अच्छे कीमत का जो अच्छे हदीये की जो सोचते होंगे तो देने को तैयार होंगे। तो क्या हदीया मतलब कुछ सोचा है आपने क्या? नहीं नहीं, हदीया मतलब भाई 1000 भी हदीया होता, 2000 भी हदीया होता, लेकिन इसकी जो मांग होती वो हिसाब से अगर कोई बंदा अगर देने को तैयार है तो देने को, लेने तैयार है तो देंगे। तो कुछ इसे डिमांड अभी करने वाले हो क्या? फोन पे बताओगे? नहीं डिमांड नहीं, फोन पे बता देंगे। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ नहीं बताओगे आप? नहीं नहीं, ठीक। तो जो भाई भी और कोई भी अगर सेलिब्रिटीज भी अगर कोई पसंद करते हैं तो देनी, बिल्कुल देंगे, फिल्म इंडस्ट्री के लोग या कोई भी रहें। तो ये है बलराम भाई जो ये चीज लेके आए, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो लेने में और कुर्बानी करना आपको शौक करना है तो आप जो है ये चीज ले सकते हो। ये दोनों मिला के यासीन हो रहा है, ठीक है, जो भाई ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये मेरा काम था, क्या भाई इतनी दूर से कहाँ से आए हो? मैं हैदराबाद से आया हूँ। मैं हैदराबाद से आए हैं और आप लोगों के लिए ये चीज़ लेके आए, तो मैं एज अ मुंबई यूट्यूबर माशाल्लाह IL एंटरटेनमेंट आई इलियास शेख रात में 5 बजे आके अल्हम्दुलिल्लाह शूट करा। आपका कॉल आया था, मैं बाहर था शूट पे था, लेकिन 5 बज रहा है अभी, तीन चार दफा कॉल किया था लेकिन आप बाहर रहे, पानी भी पड़ रहा था।
अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी थी, बरसात भी थी, लेकिन सबको पार करके अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए मैं आ चुका हूँ। बिकॉज अभी फजर का भी टाइम ऑलमोस्ट हो गया, अब मैं यहाँ से घर पे जाऊँगा। तो चीज आपको पसंद आ रही है तो बलराम भाई का नंबर डिस्प्ले में है और ये दोनों जो है इनको साथ में देना है यासीन। तो आइए देखिए और समझ में आइए तो लेके कुर्बानी कीजिए, शौक कीजिए, ठीक है। और कुछ कहना है? बस कुछ नहीं, ठीक है। तो ये थे बलराम भाई। बलराम भाई वीडियो क्लोज करता हूँ, ठीक है। लोग आपको देख रहे और आप जो है एक लंबा सफर तय करके आए और जिस चीज आप सोच के आए अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दे, ठीक है। तो दुआ कीजिए कि हर एक की जो है एक तमन्ना के साथ लोग आते हैं मुंबई में, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी तमन्नाओं को पूरा करे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़ीद इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस बनाते रहेंगे और आप लोगों को शौक कराते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलिए भाई लोग, अल्लाह हाफिज़।